हेलो गाइस, हेलो गुड इवनिंग फ्रेंड्स, सत श्री अकाल, नमस्ते, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। कैसे हो आप सब? आई होप यू आर वेल। आज का व्लॉग देखिए फ्रेंड्स, इवनिंग को स्टार्ट कर रही हूँ। आज है 30th अगस्त। आप पता नहीं है आज राखी है कि कल राखी है। कुछ लोग आज से बहुत धूप आ गई, कुछ लोग आज सेलिब्रेट कर रहे हैं और कुछ लोग कल कर रहे हैं। हम भी कल ही करेंगे। आज जा रहे हैं पापा के यहाँ, तो वहाँ पर और भी सब मेरे कजन्स आएंगे, तो देखते हैं कितना व्लॉग बनेगा। अभी हमें राखी पहले खरीदनी है, शॉपिंग तो करनी है। अभी शॉपिंग ही नहीं की हमने, कोई राखी भी नहीं ली। तो सहज यहाँ पर गया हुआ है अपने फिजियोथेरेपी के लिए, तो हमने सोचा इतनी देर हम मार्केट चलते हैं और ले लेते हैं कुछ राखी, ले लेते हैं और कुछ स्वीट्स ले लेते हैं, फिर चलेंगे पापा के यहाँ। सेलिब्रेट तो कल ही करेंगे, लेकिन आज हम लोग नाइट को चले जाएंगे वहाँ पर। तो मैंने सोचा चलो व्लॉग स्टार्ट कर लेते हैं, तो बने रहिएगा फ्रेंड्स आप इसी तरह, और आपके साथ शेयर करेंगे हमने कैसे सेलिब्रेट की राखी सबके साथ मिलकर। ना से हेलो कर दो। हेलो तो ड्राइविंग कर रहे हैं तो इसलिए डिस्टर्ब नहीं करेंगे। चलो फ्रेंड्स अभी मार्केट में चलते हैं, राखी ले लेते हैं और कुछ स्वीट्स ले लेते हैं और आपके साथ शेयर करेंगे। आप बने रहिएगा इसी तरह वीडियो में। वीडियो अगर थोड़ी सी भी अच्छी लगी तो क्या करना है फ्रेंड्स, लाइक कर देना। अगर थोड़ी सी ज़्यादा अच्छी लगी, थोड़ी सी भी ज़्यादा अच्छी लगी तो क्या करेंगे, प्लीज़ प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर देना। चलो फ्रेंड्स अभी मिलते हैं आपको मार्केट में चलकर। अभी देखिए फ्रेंड्स हम लोग मार्केट पहुंच चुके हैं। सबसे पहले यहाँ पर हम लोग स्वीट्स की शॉप पर गए हैं। यहाँ से हम लोग ने स्वीट्स पैक करवानी है, डिब्बे पैक करवानी है। 6 डिब्बे हमने पैक करवाए थे यहाँ से, तो हमने मोती चूर के लड्डू ही पैक करवाए। वैसे इनकी ना एक बर्फ़ी बहुत टेस्टी होती है। अभी इनकी इस टाइम ख़त्म हो रखी थी, तो अभी बना रहे थे, तो कहते टाइम लगेगा। वैसे लड्डू भी बहुत टेस्टी होते, जब हमने कन्यू कार ली थी ना तब ये वाला एक डब्बा लेकर गए थे मोती चूर के लड्डू का, बहुत ही टेस्टी था। तब मैंने सोचा यही लेकर चलते हैं। और पास में ना एक शॉप थी राखी की, यहाँ पर हमने राखी खरीदने के लिए आ गए हैं। बहुत ही सुंदर सुंदर राखी थी यहाँ पर, पता ही नहीं चल रहा था कौन सी लें और कौन सी ना लेना, सभी बहुत ही सुंदर लग रही थी, तो सबके लिए लेनी है। तो सहज भी बोल रहा था मेरे लिए भी लेकर आना, वो फिजियोथेरेपी करवाने के लिए उसको वहाँ पर छोड़ा हुआ है। ऐसे क्या होगा हमारा टाइम बच जाएगा, नहीं तो गाँव में जाना होता है ना तो अंधेरा हो जाता है, तो फिर बहुत ही मुश्किल होती है। तो यहाँ से हमने राखी ले लेंगे, उतनी देर में उसकी फिजियोथेरेपी हो जाएगी, तो फिर हम उसको पिक कर जाएंगे। मैंने बहुत देर के बाद इस बार राखी खरीदी, 3-4 साल के बाद ही राखी खरीदी। सहज को पिक करने के बाद अभी देखिए हम लोग जा रहे हैं बाहर, तो काफ़ी अंधेरा लग रहा है, शहर से बाहर निकल आए हैं हम लोग, तो अभी पहुँच चलते हैं फ्रेंड्स। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, अब जो है नेक्स्ट डे 31st अगस्त है, तो यहाँ पर देखिए रक्षाबंधन की बिल्कुल तैयारी हो चुकी है। और जगदीप देखिए सब कुछ लेकर आई है सहज के लिए, जूस, चॉकलेट और सब स्वीट्स वगैरह। तो बांध रही है सहज को राखी, देखिए उसने बांधनी स्टार्ट कर दी है। तो सुबह सुबह ही राखी बांधनी चाहिए, सब नहा धोकर यहाँ पर बैठे हैं राखी बांधने के लिए। तो सहज बहुत हैप्पी है, हर साल जगदीप राखी बांधती है सहज को, साथ में पिंदर भी बैठा हुआ है, सब मस्ती मजाक यहाँ पर चल रहा है सब। और यहाँ पर देखिए सब स्वीट्स है, और सहज का ध्यान तो चॉकलेट में लगा हुआ है ना, तो चॉकलेट खानी है उसको, बहुत टेस्टी लगती है, इसलिए लेकर है। हेलो चल सासिकल कर, चल कह सासिकल गाइस, हाथ जोड़ के इधर कैमरे च कह सासिकल गाइस, कह सासिकल फ्रेंड्स। और यहाँ पर देखिए मेरे मासी जी आ चुके हैं वाले, और भाभी भी बैठे हुए हैं साथ में यहाँ पर, और मासी जी के बेटे हैं दोनों मेरे कज़न बड़े, और एक
छोटे, और इधर ये सब फैमिली बैठी हुई, पिंदर सहज जगदीप पापा सब यहाँ पर बैठे हुए हैं। अभी रक्षाबंधन स्टार्ट करते हैं। मैंने सबसे पहले पापा को राखी बांधी, बहुत सालों बाद इस बार राखी बांधी, 3-4 साल के बाद बांधी होगी, ज़्यादा टाइम हो चुका है क्योंकि मैंने राखी बांधी नहीं थी। मेरे एक कज़न की डेथ होगी ना, उसके बाद मैं राखी लेकर आई नहीं, मन ही नहीं करता। इस बार सब ने बहुत जोर लगाया तो फिर सोचा चलो लेकर आते हैं, पापा भी कह रहे थे तो जगदीप ने भी पापा को राखी बांधी। हमारे यहाँ सब लड़कियाँ जो होते हैं बड़ों को राखी बांधते हैं, सब एक प्यार दिखाया जाता है ना, बड़े भी तो हमारी रक्षा करते हैं। और सबसे पहले इसको था कि मुझे छोटू को था भैया के बेटे को कि मुझे राखी बांधो, तो कहता मुझे पहले बांधो आप जो मेरे लिए लेकर आए थे। इसके छोटे छोटे हाथ थे और राखी ना पूरी इसके ऊपर कंप्लीट है, बहुत ही बातें करता है लेकिन कैमरे के सामने बिल्कुल चुप कर गया था, बिल्कुल नहीं बोलता। तो यहाँ पर बड़े भैया हैं, इनको राखी बांधी मैंने बहुत सालों के बाद राखी बांधी है, बड़ी देर से। ये आउट ऑफ कंट्री रहते हैं, इस बार यहाँ पर थे तो सोचा चलो, इसीलिए हमने ज़्यादा एक्चुअली प्लान किया था कि बहुत सालों के बाद एक साथ हैं, एक इंडिया में हैं, कुछ कज़न्स मेरे थे, चलो इस बार राखी सेलिब्रेट करते हैं, नहीं तो हो ही नहीं पाती, सब आउट ऑफ कंट्री रहते हैं तो मुश्किल हो जाती है। बहुत ही छोटे भैया हैं, इनको भी राखी बांधी, सबको वन बाय वन मैंने राखी बांधी है। आप बने रहिए इसी तरह और सबको राखी बांध लेते हैं, फिर मिलते हैं आपके साथ। अभी पिंदर की रन आ चुकी थी तो मैंने पिंदर को भी राखी बांधी यहाँ पर, और मस्ती मजाक फुल चल रहा है यहाँ पर। तो सहज को था कि मुझे भी मम्मा आप जल्दी जल्दी राखी बांध दो, सबसे बना लिया लेकिन अभी मम्मा की भी, मम्मा से भी बांधनी है। फिर रोबन ने भी सहज को बांध दी, रोबन थोड़ी सी बिजी थी अभी आई है, तो अभी सहज को राखी बांध रही है। इसी तरह सब ने अपना अपना प्यार दिखाया। तो बड़े भैया यहाँ नहीं रहते, मैंने साथ में उनकी पिक लगाई हुई है, तो मैंने भाभी को बांध दी, भाभी कहती आप मुझे बांध दो, तो देखिए एक और जगदीप से कहता और बांध दो। तो ये छोटे भैया जो नहीं है मेरे साथ में, मैंने पिक लगाई है ना, तो ये भाभी को मैंने बांध दी। यहाँ पर बहुत थोड़ा सा ना इमोशनल हो जाता है ना, बहुत प्यार था मेरा उनके साथ और बहुत ही हमारी अंडरस्टैंडिंग बहुत ही अच्छी थी। तो यहाँ पर सब ने हमने बैठ कर फिर पिक्स करवाई, और यहाँ पर देखिए कैसे है ना, मेरे हस्बैंड को ना भाभी मजाक करें, कहते आप और सैड पर हो। तो सब ने हमने पिक्स करवाई कि एक साथ इकट्ठे हुए हैं ना, तो थोड़ा सा इंजॉयमेंट और एक मेमरीज बन जाएगी ना, मेमरी बहुत जरूरी है, ओल्ड मेमरी रखो ना, ऐसे बाद में देखते रहो तो बहुत अच्छा लगता है। तो यहाँ पर सब की पिक्स हो रही है और इन्जॉय किया जा रहा है। इसके बाद हमने खाना बन रहा था, जो भाभी आते हैं ना खाना बनाने के लिए, खाना बनाया था, 3-4 सब्जियाँ बनी हुई थी, चावल वगैरह सब कुछ बना हुआ था, लेकिन पता क्या हुआ कि उसकी वीडियो नहीं बना पाए, खाना खिलाने में इतनी बिजी हो गई, उसकी मैंने वीडियो ही नहीं बनाई, कोई क्लिप ही नहीं ऐड कर पाई साथ में। अगर ऐड भी करो ना तो वीडियो बहुत बड़ी हो जाती है, तो फिर बहुत मुश्किल आती है। इवनिंग का टाइम हो चुका है तो यहाँ पर सब चाय इंजॉय कर रहे हैं समोसे के साथ। मेरे मामा जी छोटे यहाँ पर आए हुए हैं और मामी जी भी आए हुए हैं, तो एक पहले ही आ गए थे दोपहर को ही, तो मासी जी जा चुके हैं, 3-4 बजे के करीब वो चले गए थे, उनको थोड़ा काम था जल्दी, लेकिन वो जल्दी आ गए थे ना इसलिए वो चले गए हैं। तो यहाँ पर हम लोग सब चाय इंजॉय कर रहे हैं समोसे के साथ और मस्ती के साथ खूब। तो पापा को ना आज थोड़ा फीवर है, तो इसलिए पापा थोड़े से लेटे हुए थे, थोड़ा सा फीवर हो रखा है उनको, थोड़ी तबीयत नहीं ठीक उनकी। तो यहाँ पर हमने फुल इन्जॉय किया, बहुत मस्ती की, बहुत सालों के बाद ऐसे सारी फैमिली एक साथ इकट्ठे हुए। मैंने सबको, सब बोल रहे थे हमारे यहाँ आओ, हमने कहा आप सब यहाँ पर ही आ जाओ, पापा के घर पर ही यहाँ पर इन्जॉय करते हैं और एक साथ हो जाएगा सब, अलग अलग जाओ ना टाइम ही नहीं मिलता। तो यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर हम लोग खूब इन्जॉय कर रहे थे। मामी जी के बेटे ना तो बाहर हैं, एक उनकी कॉल आ रही थी तो मैंने उनकी रिसीव की, सबको भेजने के बाद अब हम लोग भी जा रहे हैं। तो ऐसे ही हमको सेव करने के लिए भाभी आते हैं, चाची ताई जी सब आते हैं, बहुत हमारा आपस में प्यार है, भगवान ऐसे ही बनाई रखे हमारा प्यार। और यहाँ पर देखिए खाना हमारा पैक किया हुआ है, डिनर बना दिया था तो डिनर पैक कर दिया है, तो ऊपर से पॉलीथीन डाल दिया है कि कार में कहीं गिरे ना। तो चलो अभी चलते हैं फ्रेंड्स, और देखिए आप लोग पिक्स को सबको इन्जॉय कर लीजिए जो हमने सब यहाँ पर खिंचाई है, और फुल एंड तक इन्जॉय करना। मिलेंगे अनदर व्लॉग में, तब तक के लिए फ्रेंड्स ओके, टेल देन एंड बाय बाय।